पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पुलिस ने ज्वेलरी की दुकानों में हाथ की सफाई दिखाकर चोरी करने वाली दो शातिर महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों महिलाएं आपस में बहनें हैं और पहले भी चोरी करने के मामले में जेल जा चुकी हैं। पकड़ी गई एक महिला का पति 2 करोड़ की लूट के मामले में जेल में बंद है और शातिर अपराधी है। दरअसल एक सप्ताह पहले जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक सर्राफ की दुकान पर ज्वेलरी खरीदने पहुंची 2 महिलाओं ने 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी कर ली थी। कारोबारी को बातों में उलझाकर महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और बिना सामान खरीदे ही फरार हो गईं। कारोबारी को जब ज्वेलरी चोरी होने की जानकारी मिली तो आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। इस दौरान एक कैमरे में स्कूटी से जाती 2 महिलाओं को ट्रेस किया गया। पुलिस ने कारोबारी राधेश्याम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर महिलाओं को तलाश किया तो महिलाओं के बारे में पूरी जानकारी सामने आ गई। मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन पुलिस ने 2 ऐसी महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो ज्वेलरी की दुकान पर जाकर अपनी बातों में उलझाकर ज्वेलर्स की दुकान से चोरी किया करती थी। लगभग एक सप्ताह पहले एक ज्वेलर की दुकान पर अपनी बातों में उलझाकर 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी की चोरी करके फरार हो गई थी। पुलिस द्वारा पकड़ी गई दोनों महिलाएं आपस में बहने हैं। पकड़ी गई एक महिला का नाम शायना है और जनपद के शातिर अपराधी अकील टेड़ा की पत्नी है। अकील टेड़ा पिछले दिनों ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में हुई 2 करोड़ की लूट के मामले में जेल में बंद है। शायना चोरी की वारदात में अपनी बहन शायरा के साथ जाती थी। इस दौरान शादाब और सलीम नाम के 2 युवक भी इनके आसपास रहते थे ताकि जरूरत पड़ने पर महिलाओं को सुरक्षित निकाला जा सके। दोनों आरोपी बहनों के खिलाफ उत्तराखंड के काशीपुर में भी चोरी का मामला दर्ज हो चुका है और दोनों जेल भी जा चुकी हैं। थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला के द्वारा जो है वो अपहरण महिला का अपहरण करने का प्रयास किया गया, जबकि वास्तव में जब उस पर जांच कराई गई तो पता चला कि उस महिला ने अमरोहा के एक व्यक्ति को ठगने का प्रयास किया था। उससे झूठी शादी का वादा करके और कुछ पैसे उसने ठग लिए थे। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। पूर्व में भी वह इस तरह के मुकदमों में जेल जा चुके हैं। सर, पूछताछ के दौरान क्या मालूम हुआ कितनी शादियाँ ये अब तक कर चुकी हैं, कितने लोगों को इन लोगों द्वारा ठगा गया और गैंग गिरोह में कौन कौन शामिल है? ये अपने पति के साथ मिलकर इस तरह की वारदात को अंजाम देती थी और लगभग 1 दर्जन से अधिक बार ये इस तरह की कार्रवाई कर चुकी है। क्या जेल भी जा चुकी है पहले किसी? पूर्व में भी जेल जा चुकी है। ठीक, थैंक यू। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।